अभी पिछले हफ्ते की बात है, 8-10 दिन पहले की। सत्संग के काम से ही धुलिया गए थे। धुलिया वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले और बहुत ही भाव के साथ, बहुत चाव के साथ नारायण रेखी के बारे में पूछ रहे थे, क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग क्या क्या करते हो, सब डिटेल पूछ रहे थे। गजब का उत्साह बुजुर्ग व्यक्ति। मैंने कहा, बाबूजी आपकी उम्र क्या है? बोले 90 साल। कहा 90 साल? आप लगते नहीं है 90 साल के। बड़े खुश हो गए। वो हकीकत में नहीं लग रहे थे 90 साल के। वो बोले कितने का लगता हूं? उनका 70 के लगते हो। बोले अभी भी मैं सारा काम अपना खुद का, खुद के हाथ से करता हूं। खुद का तो करता हूं, बच्चों का भी काम कर देता हूं। 2 घंटे दुकान पर बैठता हूं। कवा उम्र, एज 90 साल की, इतने एक्टिव है। मैंने कहा, बाबूजी आपकी सेहत का राज क्या है? ताकि हम उस उम्र तक पहुंचने तक आपके जैसे ही फिट और फाइन रहे। खुश होकर एकदम बताया सेहत का राज कि बरसों से, क्या कहा, बरसों से, मुझे भी पता नहीं है कितने साल हो गए, पर बरसों से मेरा एक नियम है। सुबह जब मैं उठता हूं, सबसे पहले जो वस्तुएं मेरे अनुकूल है, जो व्यक्ति मेरे अनुकूल है, जो चीजें ईश्वर ने मुझे अच्छी दे रखी है, उन सब चीजों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। आगे सुनो, उसके बाद बोलना। जो चीजें मुझे मिली हुई है, उसका ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। कब तक? जब तक कि मेरी आंखों से आंसू ना आ जाए। इसे कहते हैं प्रार्थना। हर सुंदर शब्द, हर सुंदर वाक्य जिसके उच्चारण से आपका चेहरा खिल उठता हो और खिल उठता हो सामने वाले का चेहरा, प्रार्थना है।